मित्रों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप भक्तों दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान लिखना ना भूलें, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और भक्तों, आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी जड़ी बूटी भी बताएंगे जिसे आप सप्ताह में एक बार सुबह भूखे पेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन में 100% कभी बीमार नहीं होंगे। भक्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी को तांडव करवा देती है, और एक छोटा सा दिखने वाला तेल का आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं, फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप भक्तों, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है माँ, प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। भक्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप दोस्तों अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। भक्तों, एक समय की बात है, एक गुरुवर जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें हल्दी के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि शिष्यों, हल्दी के पानी पीने से आप अनेकों बीमारियों जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, डायबिटीज, घुटनों और जोड़ों का दर्द, एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरुवर की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में हल्दी हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? और यह देखने में तो छोटी सी होती है, फिर यह कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वह भी जड़ से? तब दोस्तों शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए, हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तब गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मैं आपको हल्दी के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। दोस्तों, हल्दी हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कहीं स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल औषधि माना जाता है। अगर बात करें हल्दी के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। और हल्दी में जिनरोल नामक का तत्व पाया जाता है, जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। हल्दी के पानी पीने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। और दोस्तों, इसमें शोरगुल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। हल्दी में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर के भीतरी संरचनाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, अब मैं तुम्हें हल्दी से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। दोस्तों, पुराने जमाने से ही हल्दी को एंटी इंफ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अक्सर हमें हल्दी का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था।
भक्तों, यह एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि हल्दी आपके शरीर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, और मित्रों, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से हल्दी वाला पानी पीते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ सही रहता है। हल्दी में पाया जाने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। ये गुण आपको अनेक तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। अगर आप हर दिन खाली पेट हल्दी के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हल्दी के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिन रोल, और जिन रोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरुजी उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, शिष्यों, हल्दी के पानी पीने से आपके जी मिचलाने की समस्या को जड़ से खत्म होती है। मित्रों जी, मिचलाना एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इनडाइजेशन भी इसकी वजह है। इनडाइजेशन की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है, और गर्भवती महिलाओं को यह शिकायत होती है। ऐसे में तब आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जी मिचलाने वाली समस्या जो है उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरुवर उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि हल्दी का पानी आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप दोस्तों मोटे हैं और नियमित रूप से हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना यानी कि गलना शुरू हो जाता है, और जिन औरतों के पेट पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके पेट पर वेस्ट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह हल्दी का पानी इस्तेमाल करती हैं तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। और दोस्तों, पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है वह भी अगर हल्दी का पानी रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। हल्दी के पानी का नियमित रूप से सेवन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों पाचन के लिए काफी फायदेमंद है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं। हल्दी का पानी पीने से पेट से संबंधित अनेक समस्याएं कम होने लगती हैं। फिर गुरुवर उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, हल्दी का पानी नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भक्तों, हल्दी का पानी नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। हल्दी में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं, और हल्दी धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरुवर उन सभी से कहते हैं, हल्दी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में हल्दी जरूर शामिल करें, यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में हल्दी का पानी इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। हल्दी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं, तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है,
और हल्दी के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। हल्दी के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हल्दी का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा हल्दी का पानी पीते हो तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में पाई जाने वाली फैन फॉलिक एसिड पेट की जलन एसिडिटी को कम करती है। हल्दी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्याओं को भी यह दूर करती है। दोस्तों आपको बता दें कि हल्दी आपका कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोक करता है। इसके अलावा हल्दी में पॉप प्रोसेस होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और साथ ही सर आपको बता दें कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कोलन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो हल्दी जरूर खाएं। और दोस्तों हल्दी आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना हल्दी खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पीलोरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप हल्दी का पानी पियोगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। दोस्तों रोजाना हल्दी का पानी पीने से गठिया और ऑनऑर्थोराइट एटीएस जड़ से खत्म हो जाती है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और अर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हल्दी का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलता है। हल्दी का पानी रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को सेहतमंद और चमकदार बनाते हैं और त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिसकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। एक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं और कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुंहासों को कम करते हैं और हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुंहासों के कारण होने वाले दाग धब्बों को कम कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए सर्दी जुकाम से यह बचाव करता है। अगर आपको कसरत करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो हल्दी के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम हल्दी का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। और यदि दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है, वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से हल्दी का पानी सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। हल्दी आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती है और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए हल्दी का पानी रामबाण से कम नहीं है। हल्दी का पानी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक होता है। हल्दी में कैरक्यूमिन पाया जाता है जो डायबिटीज के खतरे को कम करने में सहायक है। फिर दोस्तों गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों अब मैं तुम्हें हल्दी को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको एक चम्मच पिसा हुआ हल्दी लेना है, साबुत हल्दी नहीं लेना है। आपको पहले हल्दी को कैसे लेना है और उस पिसा हुआ हल्दी की एक चम्मच ले लीजिए और उसे एक गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबाल लें। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में कीजिए। इस पानी को पीना है दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि हल्दी के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं
और दोस्तों वह आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो दोस्तों हम कच्ची हल्दी को अपनी सब्जी में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं और बहुत सारे लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं। आप हल्दी को दूध में डालकर भी पी सकते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा हल्दी के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं दोस्तों। अब आपको हम उसे एक पावरफुल जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अगर सप्ताह में एक बार सुबह भूखे पेट इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों वह अमृत जड़ी बूटी का नाम है आंवला का पत्ता। अगर आप दोस्तों सप्ताह में एक बार सुबह आंवला की 2 से 3 पत्तियां सेवन करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।